हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गुरवे और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। तो देखेंगे यहां पे आज कैसे एंट्री, कहां पे एंट्री कर सकता है। तो पहले हम पिवट पॉइंट को देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का पिवट पॉइंट आज है 27511, फर्स्ट रेजिस्टेंट 27730, सेकेंड रेजिस्टेंट 27850 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 28069 एंड फर्स्ट सपोर्ट 27391, सेकेंड सपोर्ट 27172 एंड थर्ड सपोर्ट 27052। और निफ्टी का भी देख लेते हैं हम, इसका सपोर्ट क्या है। तो पिवट पॉइंट आज देख सकते हैं निफ्टी का 10824, फर्स्ट रेजिस्टेंट 10879, सेकेंड रेजिस्टेंट 10926, थर्ड रेजिस्टेंट 10981, फर्स्ट सपोर्ट 10777, सेकेंड सपोर्ट 10722, थर्ड सपोर्ट 10675। तो पहले हम देखे बैंक निफ्टी। मैंने बैंक निफ्टी ये फ्यूचर लिया हुआ है, स्पॉट और फ्यूचर दोनों का थोड़ा प्राइस डिफरेंस रहता है स्पॉट और फ्यूचर, लेकिन पैटर्न चेंज में आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है और स्पॉट ये स्पॉट है। सो पैटर्न सेम ही है। तो मैं ले लेता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर का। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मार्केट कंटिन्यूअस हायर हाई बना के जा रहा है, राइट। यहाँ पे जो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया था और देख सकते हैं यहाँ ट्रायंगल शेप बनाया, लेकिन एक बात देखना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है। तो मुझे लगा ये मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 27845 तक जाना है, तो वहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बैंक निफ्टी ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जब फॉर्म होता है, इसका कंफर्मेशन करता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है अपकमिंग डेज में। ये हो गया डेली में। तो अगर इसको 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट पे देख सकते हैं आप मार्केट जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन। तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके या मार्केट उसका ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी अगर आप बाय लेंगे तो यहाँ पे बाय लेंगे तो सडनली क्या होता है, मार्केट जब ब्रेकआउट होता है ना ट्रेंड को, जैसे ही मार्केट या ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस लाइन, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। उसको जब ब्रेकआउट होता है ना, उसको ब्रेकआउट करके क्या होता है, फिर से एक रिट्रेसमेंट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सोच लेता है यहाँ पे कि ये इसको ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे हम एंटी कर ले। तो जब एंटी कर देता है यहाँ पे ये रीजन में, मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट होता है। तो जो एसएल लगा के रखता है उसको हिट होता है और बाद में मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट करना चाहिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए देना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट में आप एंटी कर सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलो हम थोड़ा निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो निफ्टी निफ्टी है, तो निफ्टी चार्ट में अगर डेली में देखे तो दोस्तों और एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर कोई स्टॉक्स या कोई दूसरा चार्ट के बारे में एनालिसिस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो उसके लिए हम रिसर्च करके हमको बता सकते हैं। अगर आपका कोई पोजीशन है तो कोई स्टॉक्स में, तो लॉन्ग पोजीशन में, तो उसके लिए आपका अगर आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है, तो उसके लिए हम कहाँ पे आप एंटी कर सकते हैं, कहाँ पे निकाल सकते हैं, उसका ऊपर हम रिसर्च करके वीडियो बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं आप, निफ्टी एक सेम ये भी एक रेजिस्टेंस रेंज में चल रहा है। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड लिया, उसका बाद रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके गया, जो रेजिस्टेंस लाइन था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से मार्केट नीचे आया। तो इसमें देख सकते हैं सेलर जो प्रेशर है, जो ये सेलर प्रेशर है, ये सेलर प्रेशर रिड्यूस हो, सॉरी सेलर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं सेलर प्रेशर रिड्यूस होता है। तो अगर ये फॉर्म होता है तो इसका कन्फर्मेशन होता है क्या, ये आप देख सकते हैं इसे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ से क्या हो रहा है देख सकते हैं, एक बायर जो था, बायर कौन एक ही एरिया में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सेलर रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे। तो उसका कन्फर्म होता है कि अगर ये रेंज को अगर ब्रेकआउट कर देगा 10,000 या 11,000 आप पकड़ लिए, इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट
फिर से ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो आज छोटा टाइम फ्रेम जैसे हम देख सकते हैं 15 मिनट में या हाफ एन आवर, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हायर हाई पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, राइट। अभी ये जो आप देखेंगे तो क्या है, एक हायर हाई गया, उसका बाद हायर हाई, तो इसको ब्रेकआउट किया, थोड़ा फिर से मार्केट नीचे आ गया, तो एक लोअर बनाया, फिर से आया, फिर से अभी हायर हाई बना रहा है। तो ये जो पैटर्न फॉर्म होता है, तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है इसका प्राइस कंसोलिडेशन, और आप साइडवे भी कर सकते हैं। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया ये लाइन को, तो मार्केट रैली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।